जुलाई 20 को स्टील सेक्टर ने काफी अच्छी उछाल दिखाई है। क्या होगा आगे का स्टील सेक्टर का भाव और कैसे इन स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए? क्या ये खरीदने का अच्छा मौका बन रहा है टाटा स्टील और सेल में? आइए जरा चलकर व्याख्या करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज की अगर बात की जाए तो यहां पर टाटा स्टील ने कई बड़े अनाउंसमेंट किए हैं अपने फंडिंग और कैपेक्स को लेकर। आज सेंसेक्स करीब 600 पॉइंट पर बढ़ा है, निफ्टी ने फिर से 16,500 का लेवल टच कर दिया है और यहां पर इसके चलते हुए सारे सेक्टर्स में काफी तेज उछाल आया है, इंक्लूडिंग मेटल सेक्टर। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2.5% के आसपास ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टाटा स्टील का टारगेट 827 के आसपास रखा है। अभी के लिए 930 के आसपास चल रहा है और इन्होंने कहा है शायद एक साल के अंदर ये इस टारगेट को अचीव कर सकता है। तो टाटा स्टील पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज थोड़ा सा नेगेटिव है। साथ साथ में यहां पर ऑस्ट्रेलियन माइनिंग मेटल फर्म बीएचपी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है टाटा स्टील के साथ में, जो यहां पर जॉइंटली एक्सप्लोर करेगा लो कार्बन आयन एंड स्टील मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। इसका इंपैक्ट बहुत ही पॉजिटिव होगा दोनों कंपनियों पर। इंडिया में जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन है उसके लिए सेल्स इंप्रूव होगी डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में, और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहां पर कोविड का इंपैक्ट की वजह से डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी। टाटा स्टील ने 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है 2023 फाइनेंशियल ईयर में एज पर नरेंद्र जी। इनके अकॉर्डिंगली जो एक कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान है हिंदुस्तान और यूरोप के ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा और करंट फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीट होगा। तो इस हिसाब से रिवेन्यू बढ़ाने की बहुत तकड़ी कोशिश की जा रही है। आगे के अगर प्रोजेक्शन देखे जाएं तो सेल्स थोड़ी सी सबड्यूड रहने की उम्मीद लग रही है यहां पर। उसका रीजन डिमांड जो है सबड्यूड रहेगी, और स्टील का भाव देखें तो काफी तेजी से नीचे गिरा है अपने उच्चतम लेवल से। यहां पर आइए जरा चलकर अब टाटा स्टील के शेयर का भाव देखते हैं। तो आज का भाव टाटा स्टील का करीब 931 के आसपास चल रहा है। यहां पर 50 डे मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ये हुआ था यहां पर, जब इसका भाव करीब 1000 के आसपास था और उससे गिरकर ये करीब करीब 826-830 के आसपास पहुंच गया। यहां से काफी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है और आज काफी गैप के साथ ऊपर खुला है ये स्टॉक। अगर इसके हाई से देखें तो देखिए ये रीसेंट हाई जो है 1379 करीब करीब 400 रुपए नीचे गिरा हुआ है टाटा स्टील का स्टॉक। बुलिंजर बैंड का डायरेक्शन अब थोड़ा रिवर्स होने की शुरुआत हो गई और डायरेक्शन इनफैक्ट अप डायरेक्शन में चलना लगा है। ये कैंडल बहुत अच्छी तरह से अप सेक्शन में बनी है टाटा स्टील की। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ये अगर क्लोजिंग बेसिस पर 935 का लेवल क्रॉस करके रखता है तो ये एक बाय सिग्नल एमर्ज हो जाएगा, जो कि एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। RSI का लेवल 52 के आसपास है जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। MACD ने ऑलरेडी पिछले 15 दिनों से इसकी बाय इनिशिएट किया हुआ है और देखिए बाय की कैंडल्स भी काफी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही हैं यहां पर। तो ये है टाटा स्टील का करंट व्यू। अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टॉक है। इंटरनेशनल लेवल पर स्टील प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर से इस साल के पिछले अगर आप 11 महीने का देखें तो करीब 30% फॉल हुए हैं। ये करंट प्रोजेक्शन के बेसिस पर स्टील का पर मीट्रिक टन का रेट है जो अभी 3,800 के आसपास है। इसका पीक जो था करीब 5,800 के आसपास था, तो 2,000 डॉलर्स इसके पर टन पर गिर चुके हैं। तो इस हिसाब से मार्केट की दृष्टि से यहां पर डिमांड थोड़ी लोअर लेवल पर पिकअप हो सकती है, और सेल का मार्केट की कंपनी देखें तो ये करीब 30,000 करोड़ की कंपनी है और इन्होंने जो प्रोडक्शन सेक्टर किया है गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू काफी अच्छे लेवल की कंपनी बनाई है। उस हिसाब से डिविडेंड भी दे रहे हैं 2.25 रुपए का सेल, और इसकी जो डेट फिक्स की है 23 मई को फिक्स कर दी गई है 2022 को, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने इस तारीख पर जिसके पास है ये इनको सबको 2.25 रुपए का शेयर का डिविडेंड मिलेगा। गवर्नमेंट
का मर्जर का अनाउंसमेंट जो चल रहा है RINL के साथ सेल का, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है जूनियर स्टील मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि फिलहाल के लिए ये जो प्रपोजल है 100% स्टेक सेल करने का वो होल्ड पर है, कोई एक्टिव डिस्कशन नहीं हो रहा है इसका। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बट लॉन्ग टर्म में ये डेफिनेटली सेल के थ्रू सेल इसको करेंगे और अपने पास किटी में कैश लेके आएंगे। ब्रोकर्स का व्यू इस स्टॉक पर बहुत पॉजिटिव है। अगर सेंचुरियम बैंकिंग को देखें तो सेल का इन्होंने टारगेट जो है 122 का बताया है, अभी 72 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की दृष्टि से 30,000 करोड़ की कंपनी है, तो चाहे तो 5% तक इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मार्केट डेफिनेटली नीचे गिर रहा है 52 वीक लोग से, ऊपर बाउंस बैक किया है, क्या यहां पर स्टील के प्राइस ऊपर बढ़ेंगे, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टील का सेक्टर क्या है। अगर आपको स्टील प्राइस के राइज पर फायदा उठाना है तो आपको जो बड़ी कोट है इसके सामने हार नहीं माननी है, और यहां पर जो ऑपरेटर है आपको डरना नहीं है। स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, और गिरावट जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है। आपको सही अपॉर्चुनिटी लेकर माल को कब्जे में करना है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में इसको कर सकें। वैसे नहीं तो वैसे एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको फंड चाहिए तो आपको इस मेटल सेक्टर काफी शीशा करता है और मार्केट की डायरेक्शन के साथ ही देखिए बगैर एक्टिविटी के आपको फन नहीं मिलेगा और ये भी फन आज कोशिश की गई है। देर में भी मोर पेन अहेड जैसा हमें लग रहा है, मार्केट यहां से हो सकता है फिर करेक्टिव मोड में जाए, तो थोड़ा सावधान रहिए, थोड़ा कैश रखिए और थोड़ा पोर्टफोलियो को राइट लेवल पर एडजस्ट कीजिएगा। रिटेल निवेशक ध्यान रखिए 2% से 5% की आपकी लिमिट होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म ओवरऑल स्टील सेक्टर में काफी गुड है हमारे हिसाब से। JSW स्टील जाने से पहले अगर हम सेल का भाव देखें तो आज ये 2.5% ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है, 75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर सेल का हम 50-डे मूविंग एवरेज और साथ साथ में 200-डे मूविंग एवरेज का वैल्यू देखें तो ये इसने जो क्रॉसओवर दिया था यहां दिया था करीब 114 के आसपास, और उससे ये करीब करीब 66 के आसपास गिर चुका है स्टील का भाव सेल का। अब बाउंस बैक किया है काफी अच्छा और कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर भी ऊपर चल रहा है, हो सकता है इस 77 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह से कारोबार करे इसके ऊपर, और यहां से अगर एक बार टूटा ऊपर की तरफ को तो फिर और ऊपर जाना शुरू होगा। बुलिंजर बैंड का डायरेक्शन भी थोड़ा अपर डायरेक्शन में चलने लगा है जो कि एक अच्छा साइन माना जाएगा यहां पर। अगर हम सुपर ट्रेंड को देखें सेल के लिए तो आज इसने टच तो किया है बट लग नहीं रहा है कि 75-76 रुपये को क्रॉस करेगा आज क्लोजिंग बेसिस पर। अगर क्लोज नहीं कर पाता है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करे और तब उसको क्रॉस करे। सेल अगर हम सेल की बात करें तो सेल ने बहुत पहले से यहां पर इसका बाय सिग्नल इमर्ज हो गया था जब इसका भाई 75 के आसपास था। JSW स्टील प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टॉक ऑल्सो। अगर हम टेक्निकल व्यू देखें तो JSW स्टील ने भी काफी अच्छा कारोबार किया है। JSW स्टील करीब 0.71% ऊपर कारोबार कर रहा है 589 के आसपास, और यहां पर अगर हम JSW स्टील के लिए देखें तो 50-डे मूविंग एवरेज और 200-डे मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर ये किया था यहाँ पर उसके बाद आज इसने 50-डे मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार करा है 572 के आसपास। ये बहुत अच्छा मोमेंटम है इसका। देखिए मेटल स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़े हैं, यहाँ पर 135 से बढ़कर ये करीब 700 तक का भाव चला गया था, इसका काफ़ी अच्छा अपटिक हुआ है स्टॉक में। JSW स्टील मोमेंटम के हिसाब से ऊपर चल रहा है, डायरेक्शन अब इसकी ऊपर चलने लगी है। यही चीज़ अगर बुलिंजर बैंड में देखें तो बैंडविड्थ जो है इसकी करीब करीब 7 के आसपास है, तो बैंडविड्थ एक्सपेंशन होगी और साथ साथ में डायरेक्शन भी अब ये ऊपर की तरफ को चलने लगा है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद यहां से स्टील सेक्टर सारे के सारे स्टॉक ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। सुपर ट्रेंड के बेसिस पर इसका रेजिस्टेंस रहेगा 605 के आसपास, और RSI इसको यहां पर बुलिश व्यू दिखा रही है। मैकडी ने इसका बाय सिग्नल जनरेट कर दिया था जब इसका भाव करीब 570 के आसपास था, आज 588 के आसपास इसका भाव चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक मेटल के टेक्निकली एक ब्रेकआउट के लिए पॉइज्ड हैं यहाँ पर। अगर आप चाहें तो इनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्से के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और कुछ कैश रखिए। रिच डैड पुअर डैड की बहुत अच्छी बुक है, डू नॉट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप अपने हिसाब से सोचिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज कीजिए, तभी आपको अच्छा एडवांटेज मिल पाएगा। जून मंथ की सीरीज में 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमारी रिकमेंडेशन आपको अक्यूमुलेट करने के लिए इन स्टॉक को लोअर लेवल पर, हायर लेवल पर नहीं। लॉन्ग टर्म में तभी बेनिफिट मिलेगा जब आप लोअर लेवल पर इन स्टॉक को अपने पास रखेंगे। और हमारी ट्रेड्स को जानना चाहते हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के पेड मेंबर बनकर 299 का पैकेज लेकर। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप करेंगे। जय